हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे IITM के बारे में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो इसकी स्थापना 17 नवंबर 1962 को पुणे में हुई थी। कभी इसकी स्थापना IITM की 17 नवंबर 1962 को कहाँ? पुणे में। उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की एक अलग इकाई के रूप में स्थापित है आपकी IITM, ठीक है? किसकी? भारत मौसम विभाग IMD की एक अलग इकाई के रूप में स्थापित है। विश्व मौसम संगठन, क्या? विश्व मौसम संगठन WMO की एक उष्णकटिबंधीय देशों में मौसम विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश के तहत निर्मित है आपकी भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान। 1 अप्रैल 1971 को भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान एक स्वायत्त संस्थान के रूप में परिवर्तित हुई। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान के कार्यों की बात करें हम लोग, तो वायुमंडलीय विज्ञान को समझने खोजने में सक्षम उत्कृष्ट अनुसंधान प्रतिभाओं को विकसित करना, सुसंगत वैज्ञानिक कार्यक्रमों को शुरू करके महासागर वायुमंडल में अनुसंधान की प्रगति को आगे बढ़ाना इसके कार्य में शामिल है। आगे इसके कार्य हैं जलवायु अध्ययन के अनुपयोगों एवं विकास में अन्य सामान्य अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करना, या मानसून मौसम विज्ञान में अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। ये सभी आपके IITM यानी कि भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान के कार्य हैं। इसके बारे में अन्य तथ्यों की बात करें तो प्रारंभिक वर्षों में संस्थान ने IMD के साथ पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्य किया। 1985 में क्या 1985 में इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत लाया गया। 12 जुलाई 2006 से IITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी विशेष रूप से गठित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पीयूष को IITM में स्थापित किया गया है। भारत की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को पीयूष को कहाँ? IITM में स्थापित किया गया है। इसकी प्रोसेसिंग क्या है पीयूष की? 4 पेटा फ्लॉप्स। भंडारण क्षमता क्या है? 27 पेटा बाइट। IITM ने ESSO और NCMRWF के साथ मिलकर सफर सिस्टम को विकसित किया। सिस्टम फॉर एयर्स क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर भारतीय के महानगरीय शहरों में संस्थान भारतीय के महानगरीय शहरों में संस्थान के विशेष कि वायु गुणवत्ता की वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध कराता है। कौन? सफर, जो सफर सिस्टम स्थापित किया गया। ए सफर 1 से 3 दिन के बीच के अग्रिम पूर्वानुमान जारी करता है। सफर जो सिस्टम है 1 से 3 दिनों के अग्रिम पूर्वानुमान भी जारी करता है। तो ये था आपका IITM। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी EPCA के बारे में।